नमस्कार, मैं हूं मिली और आज हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी अभी मैं भगवत गीता एक्सप्लेन करने के बीच में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगला जो श्लोक है जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको समझने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था और ये जो किसान है उसके पास घोड़ा भी था। वो आए दिन अपने घोड़े पे सवारी करने जाता था और उस घोड़े से भी थोड़ा बहुत कुछ कमा ही लेता था। अचानक एक रात ऐसा हुआ कि घोड़े की जो रस्सी थी बांधने की वो ढीली पड़ गई थी और घोड़ा उसके घर से भाग निकला। दूसरे दिन जब पता चला तो उसने सोचा कि भाई हुआ होगा, अब क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत दुखी भी हुआ पर अब इसका कुछ कर नहीं सकते। पास पड़ोस के लोग आए, सबको पता चला कि उसका घोड़ा भाग गया है। सबने बोला, अरे रे तेरी किस्मत बड़ी खराब है, ये घोड़ा भाग गया, अब तू कैसे एक्स्ट्रा कमाएगा। खेती बाड़ी से इतनी इनकम नहीं होती थी जो ये तुझे रोज बरोज ला के दे देता था। उस आदमी ने भगवान को प्रणाम किया और उन लोगों से कहा, शायद किस्मत ऐसी ही है। दो दिन हुए और वो घोड़ा वापस तो लौटा पर साथ में तीन और घोड़ों को लेके आ गया। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये घोड़ा भी वापस लौट आया और तीन और घोड़े आ गए। सब लोग उसके पास आए और कहा, वाह, हमने तो सोचा था किस्मत खराब है पर तेरी किस्मत तो अच्छी है, एक के बदले चार घोड़े मिल गए तुझे। उस किसान ने फिर से भगवान को हाथ जोड़े और पड़ोसियों को कहा, शायद जो हुआ ठीक ही हुआ। फिर कुछ दिन हुए, किसान का जो बेटा है वो जो एक्स्ट्रा के तीन घोड़े आए थे उसमें से किसी एक पे सवार हो गया था और सवारी करते करते उसे सिखा रहा था, घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी उस घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया और उसके टांग में फ्रैक्चर हो गया। अब वापस डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, पैर पे पट्टी बंधाई गई और पड़ोसी फिर आए। फिर उन्होंने उस किसान को कहा, अरे देख तो कैसी किस्मत है, अब बच्चे की टांग फ्रैक्चर हो गई, 6 महीने की तो गई। उस किसान ने फिर से भगवान को हाथ जोड़े और कहा, शायद जो होता है ठीक ही होता है। फिर कुछ समय बीता, करीब करीब 1 महीना बीता होगा और वो जिस राज्य में रहते थे वहां के राजा का पड़ोस के राजा के साथ लड़ाई हो गई थी और लड़ाई होने की वजह से उन्हें सैनिक कम पड़ रहे थे। अब राजा ने ढिंढोरा पिटवाया और कुछ सैनिकों को उसी किसान के गांव में भेजा कि भाई कुछ आदमी ले आ जो हमारे यहाँ सैनिकों का काम करे। गांव में से बहुत सारे नौजवान बच्चों को ले जाया गया सैनिक में भर्ती करवाने के लिए, पर क्योंकि किसान के बेटे का पैर टूटा था इसलिए उसे लेके नहीं गए, भला लंगड़े को कौन ले जाता। पास पड़ोस वाले फिर उसके पास आए और कहा, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, इसकी टांग टूटी है तभी तो तेरे बच्चे को कोई लेके नहीं गया, देख हमारे बच्चों को तो लेके चले। उस किसान ने फिर भगवान को हाथ जोड़ा और कहा, शायद जो होता है ठीक ही होता है। तो मित्रों, इससे क्या समझ आता है आपको, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं क्या समझी हूँ वो बताती। हमें नहीं पता कि अभी जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हमें ये नहीं पता आगे जो होगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा। हमें ये भी नहीं पता कि जो हमें अच्छा दिख रहा है क्या वो सही में अच्छा है या उसके पीछे कुछ बुरा है। और ये भी नहीं पता कि जो हमें फिलहाल बुरा दिख रहा है उसके पीछे का आशय अच्छा है या बुरा। इसीलिए किसी भी कंडीशन में, हाँ आपको गुस्सा आता है, आप दुखी होते हो, आप सुखी होते हो, पर हमेशा जब भी आप आपके सेंसेस में वापस लौटते हैं तब एक चीज ध्यान में रखिए, कोई चीज परमानेंट नहीं होती है और हमें फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं है। तो आगे का श्लोक जो है हम लेंगे जिसमें भगवान ने भी स्वयं बताया है कि जो सुख में सुखी नहीं होता और जो दुख में दुखी नहीं होता वही योगी कहलाता है। उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।